हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक राइडर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप मीटियोर 350 के एयर फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं खुद से। अब सबसे पहले आपको बताना ये जरूरी है कि इसे क्लीन करना क्यों जरूरी है। देखिए, अगर एयर फिल्टर आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डर्ट रह जाएगा, तो आपके जो बाइक है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। कैसे? आपकी बाइक ज़्यादा जर्क करेगी चलते हुए, या हो सकता है मिसफायर करे स्टार्ट होने में, या माइलेज जो है वो आपकी बाइक का कम हो जाएगा अगर एयर फिल्टर को आपने सही से क्लीन नहीं किया है रेगुलरली। तो अब आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है एयर का। देखिए, एयर यहाँ से सक होता है, ठीक है, क्योंकि जब फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन भी वहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है, इंजन में। तो यहाँ से जो एयर सक होता है वो एयर फिल्टर के थ्रू होके जाता है आपके, जहाँ पे फ्यूल और ऑक्सीजन मिक्स होके बर्न होते हैं, ठीक है। अगर वो गंदा हो जाएगा तो ठीक से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, मतलब एयर नहीं जा पाएगा, और उससे आपकी बाइक में ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब ऐसा कोई किलोमीटर नहीं है कि ये इतने किलोमीटर बाद इसे क्लीन करना है। जब भी उसे गंदा हो जाए तब उसे आपको साफ करना है। अब रिप्लेस करने का टाइम कब होता है? रिप्लेस जब एकदम खराब हो जाता है, उसमें से डर्ट बाहर ही नहीं आता, इतना गंदा हो जाता है, तो वो आपके सर्विस सेंटर वाले कर देंगे, उसकी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है। और मस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक लॉन्ग राइड पे जा रहे हो मोर देन 300 किलोमीटर के, तो एक बार इस एयर फिल्टर को क्लीन करके वापस लगा के तभी लॉन्ग राइड करें। ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको अच्छा परफॉर्मेंस और ज़्यादा माइलेज मिलेगा इस मीटियोर 350 से। तो जल्दी से आज की इस वीडियो में जल्दी से आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें से एयर फिल्टर निकाल सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, फिर आप वापस लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट बस आपसे रहेगा कि इतने आपके सपोर्ट चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी मीटियोर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। एक पूरा प्लेलिस्ट है, जो भी भाई मीटियोर लेना चाहते हैं, लेने की सोचा है या फिर ले चुके हैं, उनके लिए पूरा ट्यूटोरियल है हमारे चैनल पे मीटियोर 350 के प्लेलिस्ट के नाम से। तो उसे जाके ट्राई करिए, बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट साइड बाइक के करना है, उस साइड टूल बॉक्स है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड, यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसे आपको ओपन करना है, इस पैनल को, साइड पैनल को। उसके लिए ये एलन की से ये स्क्रू खोलना होगा और ये नीचे वाला दो ये स्क्रू बस खोलने और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको 6 mm का एलन की चाहिए, जो आपके बाइक के टूल बॉक्स में ऑलरेडी है, तो आप उससे कर सकते हैं। मैं यूज लूँगा अपने टपारिया टूल बॉक्स का, लेकिन आप अपने टूल बॉक्स से कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों ओपन करना है इन स्क्रू को, तीन स्क्रू देख रहे हैं हम, इसे ओपन करना है। इसी के अंदर है एयर फिल्टर। जैसे ही आपने स्क्रू खोल दिया, ये कुछ इस तरह बाहर आ जाएगा हमारा एयर फिल्टर, देख सकते हैं आप। और आपको ऐसे थोड़ा सा घुमा के ऐसे निकाल लेना, तो आप देख सकते हैं ये रहा एयर फिल्टर। और एक क्लीन क्लॉथ लीजिए और अच्छे से उसे साफ कर दीजिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से जो एयर है वो सक होके, वो देख रहे हैं वेंट, वहाँ से होके फिर अंदर चला जाता है सीधे फ्यूल में, जहाँ पे यू फ्यूल और ऑक्सीजन मिलते हैं दोनों। तो अब आपने साफ कर लिया, तो फिर कुछ नहीं करना है, वैसे ही लगा देना है जैसे ये लगा हुआ था। तो कुछ इस तरह देखिए, ठीक, उसके बाद जहाँ जैसे फिट था तीनों स्क्रू उसी तरह। तो ये हो गया दोस्तों वापस से फिट, हमने फिर से फिट कर दिया। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले अगर कंटेंट अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।